नमस्कार। विधानसभा चुनाव को लेकर नया सर्वे सी वोटर ने जारी कर दिया है और दिसंबर के सर्वे में कितना अंतर दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले महीने के सर्वे के मुकाबले जो नया सर्वे सामने आ रहा है, इस हिसाब से आखिर यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में क्या कुछ होने वाला है। 590 विधानसभा सीटों को लेकर आपको तीनों राज्यों के संपूर्ण आंकड़े देने वाले हैं, क्योंकि तीनों राज्यों पर काफी हलचल यहां पर देखने को मिल रही है और हर एक राज्य के आपको रीजन वाइज आंकड़े देने वाले हैं। आखिर कहां से किसका 15 भारी नजर आ रहा है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं, क्योंकि यूपी, उत्तराखंड और पंजाब को लेकर जिस प्रकार का माहौल उत्तर प्रदेश चुनाव में देखने को मिला है, क्योंकि काफी हलचल है और किसानों का काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा था, पंजाब हो या फिर यूपी हो। इसके अलावा उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी कितनी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, क्योंकि काफी हलचल अब इन राज्यों पर देखने को मिल रही है। तो जनता का मूड क्या है, इसको लेकर सी वोटर ने जो नया सर्वे जारी किया है, दिसंबर के इस सर्वे के आंकड़े हैं, क्योंकि 13 नवम्बर से 9 दिसंबर के बीच का ये सर्वे है और करीब इसमें अगर बात करें तो 92,000 से ज्यादा लोगों की राय ली गई। इसके बाद यहाँ पर जो आंकड़े जारी किए हैं, इसके बाद क्या कुछ होने वाला है, संपूर्ण आंकड़े, क्योंकि आपको रीजन भाई आंकड़े जानने वाले हैं। आज हो जाते हैं विधानसभा चुनाव, तो फिर किसकी बनने वाली सरकार, यूपी में आखिर समाजवादी पार्टी बीजेपी को कितनी टक्कर देती नजर आ रही है, और ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं यूपी के अंदर बीजेपी का वोट शेयर गिरावट अब देखने को मिली है, जो माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लगातार यहाँ पर बीजेपी के वोट शेयर हो या फिर सीटों में कमी देखने को मिल रही है, क्या बीजेपी इस कमी को यहाँ पर संतुलन कर पाएगी या फिर कुछ नया होने वाला है, वोटर के मन की बात, और उसके बाद ये आंकड़े सामने आ चुके हैं। आखिर यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में कितनी बनने वाली सरकार, इसको लेकर संपूर्ण आंकड़े, क्योंकि आज आपको हर एक यहाँ पर राज्य के रीजन वाइज आंकड़े देने वाले हैं। देवभूमि उत्तराखंड में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर अपने मुख्यमंत्री बदल रही है और जनता का मन क्या है, क्या जनता यहाँ पर सरकार बनाने के इरादे से अब कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में हो सकती है। आखिर कांग्रेस यहाँ पर बीजेपी को कितनी टक्कर देती नजर आ रही है, उत्तराखंड को लेकर जो 70 विधानसभा सीटों के लिए दिसंबर का नया सर्वे सामने आ रहा है, आखिर इस वक्त क्या कुछ आंकड़ा यहाँ पर बनता नजर आ रहा है। शुरुआत करते उत्तराखंड के लिए, सीएम पसंद को लेकर सर्वे के आंकड़े यहाँ पर सी वोटर ने जारी किए, उस हिसाब से दिसंबर में क्या कुछ आंकड़ा है, क्योंकि नवंबर में हरीश रावत को 31% लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाह रहे थे, लेकिन पुष्कर धामी को 28, जबकि अनिल बावली को 18% और यहाँ पर अन्य उम्मीदवार। लेकिन अगर बात की तो मैन जो यहाँ पर लड़ाई दिखाई दे रही है और सबसे ज्यादा जो लोग यहाँ पर मान रहे हैं, वो कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी, यानी हरीश रावत कांग्रेस प्रत्याशी और बीजेपी यहाँ पर पुष्कर धामी। आज अगर बात करें तो हरीश रावत को 33% लोग मान रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर और 28 से घटकर अब 27 पर पुष्कर धामी, 1% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन आपको बता दें कि उत्तराखंड में वर्तमान बीजेपी सरकार है, लेकिन उत्तराखंड के लोगों का भी एक इतिहास है कि हर 5 साल में वो सरकार बदलती रहे, तो क्या 2022 में कुछ नया होने वाला है, इसको लेकर संपूर्ण आंकड़े आपको देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर बात कर लेते हैं उत्तराखंड पर आखिर किसे कितना वोट शेयर इस वक्त दिखाई दे रहा है। भले ही भाजपा जो है 40% वोट शेयर मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस के लिए 36% वोट शेयर, आम आदमी पार्टी को 13% और अन्य खाते में 11% वोट शेयर, दिसंबर का जो सर्वे सी वोटर ने जारी किया है उत्तराखंड को लेकर जो सर्वे जारी हुआ है। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो सर्वे के आंकड़े रीजन वाइज सामने आ चुके हैं, आखिर इस वोट शेयर के हिसाब से जो रीजन वाइज आंकड़े यहाँ पर सीटों के तौर पर निकल कर आए हैं, आखिर 70 विधानसभा सीटों को लेकर क्या आंकड़े बन सकते हैं। कुमाऊं में अगर बात करें तो किसे कितनी सीटें हैं और किसको यहाँ पर बढ़त दिखाई दे रही है, उत्तराखंड काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, कुल 20 सीटें इस क्षेत्र से आ जाती हैं, इस रीजन से आ जाती हैं। आखिर कितनी बढ़त यहाँ पर किस पार्टी को दिखाई दे रही है, देखिए आपके सामने आंकड़े हैं। कुमाऊं की 20 सीटों में से भाजपा को 7 से 11 सीटें, जबकि कांग्रेस को 9 से 15 सीटें, आम आदमी पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है, अन्य के खाते में भी यहाँ पर एक भी सीट जाती नजर नहीं आ रही, यानी दिसंबर के सर्वे के हिसाब से उत्तराखंड में कांग्रेस को यहाँ पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कुमाऊं की जो 20 सीटों पर जो ताजा सर्वे रीजन वाइज आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं गढ़वाल के लिए, तो गढ़वाल के लिए 30 सीटें यहां से आती हैं इस रीजन को लेकर, दिसंबर का सर्वे क्या कहता है, आखिर इस रीजन से किसको कितनी बढ़त दिखाई दे रही है, इसके आंकड़े आपके सामने है। दिसंबर के सर्वे में हिसाब से भाजपा को 16 से 20 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस को 9 से 15 विधानसभा सीटें, आम आदमी पार्टी को 0 से 1 सीट जाने की संभावना है, अन्य खाते में एक भी सीट जाती नजर नहीं आ रही है।
यानी इस क्षेत्र में जो है बीजेपी को बढ़त मिल रही है और मेन जो लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस में ही उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। दिसंबर का ये ताजा सर्वे है और इसके अलावा बात करें तो मैदान में किसे कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। मैदान रीजन को लेकर उत्तराखंड को 3 रीजन में बांटा गया है और यहाँ से 20 विधानसभा सीटें आ जाती है। आखिर इस रीजन पर किसे कितनी बढ़त दिखाई दे रही है इसके आंकड़े आपके सामने है। और मैदान से अगर बात करें तो भाजपा को यहाँ पर 7 से 11 सीटें जबकि कांग्रेस को यहाँ पर बढ़त मिल रही है 8 से 14 सीटों पर। यहाँ पर कांग्रेस को बढ़त है, आम आदमी पार्टी को 1 से 2 सीटें, अन्य खाते में एक भी सीट जाती नजर नहीं आ रही है। दिसंबर के सर्वे के हिसाब से उत्तराखंड में 2 रीजन पर कांग्रेस को बढ़त है जबकि 1 रीजन पर बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है। जो हाल ही का ताजा सर्वे यहाँ पर निकल कर आ रहा है बड़ौदा ट्रेड यहाँ पर उत्तराखंड में होता नजर आ रहा है। अगर सारे आंकड़ों को एक साथ कलेक्ट किया जाए और सारे आंकड़ों पर गौर किया जाए सभी 70 विधानसभा सीटों पर लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सी वोटर ने जारी किए हैं जो दिसंबर के सर्वे हैं उसमें देखिए भाजपा को 33 से 39 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 29 से 35 सीट ही मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी को 1 से 3 सीटें, अन्य खाते में 0 से 1 सीट जाने की संभावना यहाँ पर लगाई जा रही है। यानी उत्तराखंड में बड़ा वाला ट्रेड हो रहा है, आम आदमी पार्टी यहाँ पर काफी पीछे नजर आ रही है लेकिन कांग्रेस और भाजपा के बीच ही कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। आखिर जो यहाँ पर कम समय बचता रहता है इस बीच क्या कांग्रेस जो यहाँ पर कुछ सीटों का अंतर दिखाई दे रहा है क्या उसकी भरपाई कर पाएगी या नहीं ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन फिलहाल उत्तराखंड में यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है 70 सीटों पर जो सर्वे यहाँ पर निकलते सामने आ रहा है। यानी नवंबर और आज के सर्वे में कितना यहाँ पर अंतर दिखाई देता है। नवंबर में जो सर्वे बीजेपी को 36 से 40 सीटें दिखा रहा था लेकिन आज ये 33 से 39 सीटों पर ही दिखाई दे रहा है। कुछ सीटों का नुकसान बीजेपी को हो रहा है और कुछ सीटों का फायदा सीधे तौर पर कांग्रेस को उत्तराखंड में होता नजर आ रहा है जो सर्वे के आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं आखिर यूपी की क्या है हवा और यूपी इस वक्त किसकी स्थिति में दिखाई दे रहा है। आखिर क्या कुछ आंकड़े यहाँ पर उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बन सकते हैं क्योंकि काफी कुछ अंतर अब उत्तर प्रदेश के लिए भी सी वोटर ने जो नया सर्वे जारी किया है उसमें हलचल तेज हो चुकी है क्योंकि पिछले कुछ यहाँ पर दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश चुनाव में हर एक पार्टी सक्रिय तौर पर नजर आई है जिसके लिए सबसे ज्यादा सक्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी नजर आए हैं और कई बड़ी योजना हो या परियोजना हो या फिर यहाँ पर कह सकते हैं कि जिस कार से यहाँ पर उद्घाटन किए हैं यहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो यहाँ पर जयपुर एयरपोर्ट हो इस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी और यहाँ पर जिस कार से यहाँ पर सक्रिय नजर आए हैं। किसान आंदोलन भी थम गया है, किसान घर वापसी कर चुके हैं, तीनों कृषि कानून वापस हो चुके हैं। अब पूर्वांचल का क्या यहाँ का गणित हो सकता है जो नया सर्वे यहाँ पर निकल कर आ रहा है। इसके बाद क्या समाजवादी पार्टी साइकिल का संतुलन बना पाएगी या नहीं ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 2022 काफी महत्वपूर्ण हो जाता है समाजवादी पार्टी के लिए। लेकिन आपको रीजन बाई आंकड़े यहाँ पर उत्तर प्रदेश के भी दिखाने वाले हैं क्योंकि शुरुआत करते हैं अवध के लेकर। अवध में जिस कार से यहाँ पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो आंकड़ा है वो बीजेपी के पक्ष में दिखा था और इस वक्त क्या कुछ आंकड़ा बन रहा है। 2017 में तो बीजेपी ने यहाँ पर एक तरफा जीत हासिल करके यहाँ पर काफी झटका दिया था समाजवादी पार्टी को तो क्या 2022 में भी झटका मिलने वाला है या फिर बीजेपी को यहाँ पर समाजवादी पार्टी टक्कर दे पाएगी इसको लेकर क्या कहता है अवध की 118 विधानसभा सीटों को लेकर सी वोटर का जो नया सर्वे सामने आ रहा है। इस हिसाब से देखिए कि अवध के लिए 72 से 76 सीटें ही मिलने का अनुमान बीजेपी को लगाया जा रहा है जबकि 2017 में बीजेपी ने यहाँ पर लगभग 100 सीटों पर जीत हासिल की थी जबकि समाजवादी पार्टी को 38 से 42 सीटें। आपको बता दें कि 2017 में समाजवादी पार्टी ने केवल 47 सीटों पर ही जीत की थी यानी कहा जाए तो 403 सीटों में से 47 सीटों पर। लेकिन यहाँ पर अवध में ही समाजवादी पार्टी 38 से 42 सीटों पर आ रही है जिस सर्वे के आंकड़े हैं जबकि मायावती जी को यहाँ पर 0 से 2 से 6 सीट ही मिलने का अनुमान है। कांग्रेस का तो खाता यहाँ पर 0 से 2 सीटों पर ही खुलने का अनुमान लगाया जा रहा है, अन्य खाते में 0 से 2 सीटों पर ही जीत मिलने का अनुमान दिसंबर सर्वे सी वोटर ने लगाया है। यानी अवध में हलचल तेज है लेकिन फायदा किसे है, समाजवादी पार्टी को फायदा हो रहा है, बीजेपी को नुकसान हो रहा है, क्या ये अंतर जो है आने वाले वक्त में क्या यहाँ का अंतर जो कम होगा या फिर यहाँ पर होने वाली है यहाँ पर कांटे की टक्कर ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अगले रीजन की अगर बात कर लेते तो अगला जो रीजन है वो है बुंदेलखंड। जब इसको बुंदेलखंड काफी महत्वपूर्ण है और बुंदेलखंड में सभी 19 सीटों पर 2017 में बीजेपी ने यहाँ पर जीत हासिल की थी यानी एक भी सीट किसी के पक्ष में नहीं गई थी, सारी सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी।
लेकिन इस वक्त का सर्वे क्या कहता है, दिसंबर का सर्वे, और यहाँ पर भाजपा को 12 से 16 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। समाजवादी पार्टी को 2 से 6 सीतें हैं, जबकि यहाँ पर बात कर लेते हैं मायावती जी के लिए 0 से 3 सीटें, कांग्रेस को 2 से करीब सीट मिलने का अनुमान है, 0 से आनंद को भी यहाँ पर 0 से 2 सीटें हैं। लेकिन बीजेपी और समाजवादी पार्टी में ही आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन बुंदेलखंड में बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो आंकड़े यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं। लेकिन अगला रीजन काफी महत्वपूर्ण है, पूर्वांचल। या दोस्तों पूर्वांचल 130 विधानसभा सीटों का चुनाव बिगड़ किया है, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण हो चुका है पूर्वांचल, और पूर्वांचल में बीजेपी काफी सक्रिय नजर आ रही है, जिस कार की परियोजनाएं की शुरुआत कर रही है, और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का भी यहां पर उद्घाटन हो चुका है। ऐसे में क्या कहता है यहां का चुनावी गणित 130 विधानसभा सीटों के लिए, दिसंबर का ये सर्वे क्या कह रहा है, इसके आंकड़े आपके सामने हैं। पूर्वांचल की 130 सीटों में से यहां पर बात कर लेते हैं भाजपा के लिए, तो 61 से 65 सीटें, जहां 2017 में बीजेपी ने यहां पर करीब 103 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस वक्त बड़ा झटका है। बसपा को यहां पर बात कर लेते हैं 4 से 8 सीटें, लेकिन समाजवादी पार्टी को 51 से 55 सीटें, यानी ज्यादा अंतर भाजपा और सपा में दिखाई नहीं दे रहा है। क्या आने वाले वक्त में ये बराबर स्थिति में आ जाएंगे, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि टिकट बंटवारा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। टिकट बंटवारा होता है, किस कार से टिकट बंटते हैं और कहीं ना कहीं वर्तमान विधायक को टिकट कटते हैं, उसके बाद काफी हलचल हो सकती है, और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में भी कुछ नेता ज्वाइन करेंगे, या फिर समाजवादी पार्टी से बीजेपी में भी आएंगे, और उसके बाद काफी हलचल है, और घोषणाएं किस प्रकार से यहाँ पर अपने अपने घोषणा पत्र जारी होते हैं, काफी हलचल हो सकती है। लेकिन वर्तमान स्थिति में समाजवादी पार्टी का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है, जबकि भाजपा का यहाँ पर ग्राफ है उसमें देखने को गिरावट मिल रही है। लेकिन कांग्रेस को यहाँ से 2 से 6 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है, यानी खाते में भी 2 से 6 सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर पूर्वांचल की 130 सीटों में लगाया जा रहा है। काफी हलचल उत्तर प्रदेश चुनाव पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन पश्चिमी यूपी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, पश्चिमी यूपी की 136 सीटें आ जाती हैं, और जिसमें 120 विधानसभा सीटें तो किसान बहुल इलाकों पर आती हैं, जिनमें गन्ना किसान काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन तीनों कृषि कानून वापस हो चुके हैं, इसके बाद क्या किसान बीजेपी की तरफ आने वाले हैं, या फिर किसान नेता ही चुनावी मैदान में यहां से उतरने वाले हैं। खबरें तो ये सामने आ रही है कि किसान एक बड़ा नेता यहां से चुनावी मैदान में उतरने वाला है, ये खबर है, लेकिन क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पश्चिमी यूपी का चुनावी गणित क्या कहता है, उसकी वोटर ने यहां के सर्वे के आंकड़े क्या रखे हैं, देखिए यहां पर बात करें बीजेपी को फायदा नहीं हो रहा है, भले ही बीजेपी यहां पर जो है तीनों जो कृषि कानून है उनको वापस ले चुकी है, लेकिन फिलहाल बीजेपी को यहां पर फायदा नहीं हो रहा है। जो 2017 के आंकड़े हैं उससे काफी पीछे नजर आ रही है बीजेपी, 65 से 69 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी को 58 से 62 सीटें, यानी सीधे तौर पर यहां पर 45-55 का मार्जिन अब रह गया है यहां पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच। लेकिन यहां पर बात कर लेते हैं मायावती जी के लिए, तो 5 से 9 विधानसभा सीटें, कांग्रेस को 0 से 4 सीटें, अनेक खाते में 0 से 2 सीटें ही जाने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। यानी पश्चिमी यूपी काफी महत्वपूर्ण है, और इसमें समाजवादी पार्टी बाजी मारते नजर आ रही है। क्या सीधे तौर पर समर्थन समाजवादी पार्टी को ही मिलने वाला है किसानों का, या फिर बीजेपी को ये वापसी कर पाएंगे, क्या कुछ नया करेगी बीजेपी और उस दम पर पश्चिमी यूपी में 2017 की तरह आंकड़े बना पाएगी, ये काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन दिसंबर का ये सर्वे कह रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को अंदरूनी यहाँ पर नुकसान होता नजर आ रहा है। लेकिन क्या कहता है पश्चिमी यूपी का नवंबर का सर्वे और दिसंबर का सर्वे, क्योंकि काफी हलचल यहाँ पर हो चुकी है, और कृषि कानून और किसानों का जो आंदोलन खत्म हो चुका है, 64 से 68 सीटें जहाँ नवंबर में, लेकिन इस वक्त दिसंबर में 65 से 69 सीटें, यानी एक सीट का इजाफा बीजेपी को हुआ है, ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। लेकिन समाजवादी पार्टी को भी यहाँ पर फायदा हुआ है, 58 से 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी अब भी बनी हुई है। लेकिन क्या कुछ अंतर यहाँ पर होगा, काफी कुछ अंतर यहाँ पर देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में। लेकिन सीएम के तौर पर पसंद कौन है, यदि योगी आदित्यनाथ को अभी भी 40% लोग मान रहे हैं कि सीएम के तौर पर वो यहाँ पर सितंबर में, अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर में, यानी 4 महीने के अंदर केवल 1% का ही इजाफा यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि जिस कार का यहाँ पर माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन अखिलेश यादव को भी करीब यहाँ पर 33 से 34% लोग मान रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तर प्रदेश चुनाव। आखिर यहाँ पर बात करें सभी 403 सीटों के लिए वोट शेयर किसके पक्ष में कितना जा रहा है, देखिए भाजपा के खाते में यहाँ पर बात कर लेते हैं तो 42% वोट शेयर सितंबर में था, लेकिन दिसंबर आते आते इसमें करीब 2% की गिरावट देखने को मिली है यूपी चुनाव के लिए, जो सी वोटर ने नया सर्वे जारी किया है। यानी बीजेपी को करीब 2% की गिरावट देखने को मिली है, वहीं समाजवादी पार्टी को
सितंबर में ये 30% वोट शेयर था, लेकिन अक्टूबर नवंबर और दिसंबर आते आते ये 34% पर आ गए, यानी करीब जो है 4% का इजाफा समाजवादी पार्टी के वोट शेयर में हुआ है। यानी बीजेपी को 2% की गिरावट और समाजवादी पार्टी को करीब 4% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली। यानी समाजवादी पार्टी का ग्राफ हर महीने के हिसाब से ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। जबकि यहाँ पर बात कर लेते हैं बसपा के लिए, तो बसपा को यहाँ पर 16% वोट शेयर सितंबर में, लेकिन दिसंबर में आते आते 13 पर आ गए, 3% की गिरावट यहाँ पर मायावती जी के वोट शेयर में देखने को मिली है। यानी उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी में ही आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन अगर सारे आंकड़ों के बाद और दिसंबर के सर्वे के अगर आंकड़ों पर गौर करें तो क्या कुछ आंकड़ा था, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर बीजेपी को 212 से 224 सीटों पर अब बीजेपी पहुंच गई है। ये सितंबर का जब सर्वे सामने आ रहा था तब करीब बीजेपी को यहाँ पर 260 सीटों के करीब दिखाया गया, 260 से 280 सीटों पर थी बीजेपी, लेकिन अब 212 से 224 पर आ चुकी है। यानी हर महीने कहीं ना कहीं बीजेपी की सीटों में गिरावट देखने को मिली है, सी वोटर के जो आंकड़े यहाँ पर निकल के सामने आ रहे हैं। जबकि समाजवादी पार्टी को 151 से 163 सीटें, समाजवादी पार्टी जब सितंबर का सर्वे था उसमें करीब यहाँ पर 60 से 63 सीटों पर ही दिखाई गई थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं हर महीने के हिसाब से वो आगे बढ़ती जा रही है, 51 से 63 सीटों पर आ गई है। यानी बहुमत का आंकड़ा उनके करीब आता जा रहा है और बीजेपी से बहुमत का आंकड़ा जो है वो अब ज्यादा दूर बचता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर बात करें मायावती जी को 12 से 24 सीटें, यानी कुछ सीटों का नुकसान मायावती जी को भी हुआ है 2017 के मुकाबले। बल्कि कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस को 2 से 10 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, खाते में भी यहाँ पर 2 से 6 सीटों पर जीत मिलने की संभावना दिसंबर के सर्वे के हिसाब से सी वोटर ने लगाया है। उत्तर प्रदेश चुनाव की अगर बात करें तो वर्तमान में तो बीजेपी अपनी सरकार बचाती नजर आ रही है, लेकिन आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, क्या बीजेपी ये आंकड़ा बरकरार रखेगी या फिर इसमें इजाफा करेगी। बात कर लेते हैं पंजाब को लेकर क्या कुछ आंकड़ा है, क्योंकि पंजाब में किसान आंदोलन खत्म हो चुका है, किसान घर वापसी कर चुके हैं, लेकिन फायदा किसे हो रहा है, पंजाब में आखिर किसकी बनने वाली सरकार। शुरुआत करते हैं वोट शेयर को लेकर। या दोस्तों वोट शेयर में अगर बात करें तो कांग्रेस को 34% वोट शेयर है, आम आदमी पार्टी को 38% वोट शेयर, अकाली दल को 20%, बीजेपी को 0-3 सीट, अनेक खाते में 0-5% वोट शेयर पंजाब में दिखाई दे रहा है। यानी पंजाब में सबसे ज्यादा वोट शेयर आम आदमी पार्टी को जा रहा है और कांग्रेस को भी नुकसान है, क्योंकि कांग्रेस में अंदरूनी कलह देखने को मिली थी, जिस कारण का बवाल यहाँ पर पंजाब में कांग्रेस को देखने को मिला था। नवजोत सिंह सिद्धू हो या फिर अमरिंदर सिंह हो या फिर जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, काफी हलचल हो चुकी है, कहीं ना कहीं कांग्रेस तीन धड़ में बढ़ती नजर आ रही है और इसका नुकसान आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हो सकता है, जो यहाँ पर जानकारी चलकर आ रही है। लेकिन 117 विधानसभा सीटों के आंकड़ों पर गौर करें तो कांग्रेस को 39 से 45 विधानसभा सीटें, जबकि आम आदमी पार्टी को 50 से 56 सीटें मिलने का अनुमान है, अकाली दल को 17 से 23 विधानसभा सीटें, बीजेपी को 0-3 सीटें, अनेक खाते में 0-1 सीट जाने की संभावना यहां पर सी वोटर ने लगाई है। यानी पंजाब में भी बड़ा उलट फुर हो रहा है और पंजाब में कांग्रेस सत्ता गवा सकती है जबकि आम आदमी पार्टी सरकार बना सकती है, ये आंकड़े यहाँ पर निकल के सामने आ रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में पंजाब में क्या होगा ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, किस प्रकार के यहाँ पर वादे चुनावी प्रचार होते हैं, उसके बाद जनता किसके पक्ष जाती है, ये भी काफी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन आपको बता दें कि उत्तराखंड और यूपी और पंजाब को लेकर 590 सीटों के आपको चुनावी आंकड़े दिए हैं, क्या आने वाले वक्त में ये जो गैप दिख रहा है इसकी भरपाई हो पाएगी या नहीं, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन दोस्तों मिलते हैं और सटीक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है, आने वाले वक्त में ये आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों और सटीक महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।